एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके लिए लाई हूँ कॉफी फेस पैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक बाउल लेंगे और इसके बाद फिर हम लेते हैं कॉफी पाउच। कॉफी पाउच मैंने यहाँ पर ये वाले लिए हैं, 1-1 रुपए वाले। आप मार्केट से कोई भी ले सकते हैं, कोई से भी यूज कर सकते हैं, कोई से भी ब्रांड कर ले सकते हैं और कहीं भी ये इजीली मिल जाते हैं। और मुझे एक स्पून लेना है इसलिए मैंने 2 पाउच लिए हैं और 1 स्पून हो जाएगा ये। और आपको पता ही है कॉफ़ी पीने में कितने फ़ायदेमंद है, उतना ही फेस पे लगाने में है। तो आपको पता ही इससे फेयर स्किन फेयर करेगा और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है इसमें। देखो एक स्पून निकल चुका है। अब मैं इसमें लूँगी दही। आपको इसमें मिक्स करनी है दही। दही भी आपको पता ही है हमारे फेस के लिए कितनी लाभदायक है। उसके बाद लूँगी मैं शुगर। शुगर हमारे स्क्रब का काम करेगा और जो डार्क डेड स्किन है वो निकालेगा। फिर उसके बाद लेना है हमें लेमन। पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लेमन मिक्स करूँगी। आपको इसको रखना नहीं है, हाथों हाथ लगाना है। आप चाहें तो इसको पूरी बॉडी मसाज भी कर सकते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने नींबू, 1/2 नींबू बहुत है। आपको पता ही है ब्लीचिंग का काम करता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा फेस पैक है ये। मैंने ट्राई किया हुआ है पहले भी, तो मैंने फेस क्लीन कर लिया है अच्छी तरह फेस वॉश करके, तभी यूज़ करो। फ़ायदा क्या अगर आपकी स्किन पे पहले से ही मेकअप वगैरह लगाओ तो वो स्किन तक जो आप यूज़ कर रहे हो स्किन की हेल्थ के लिए तो वो अंदर तक नहीं पहुँचेगा, तो फ़ायदा क्या? इसलिए अच्छी तरह फेस वॉश कर लीजिए और इसको स्क्रब की तरह लगाइए पूरे फेस पर धीरे धीरे, क्योंकि हमने इसमें शुगर ऐड की थी, वो आपकी डेड स्किन निकालेगा, ब्लैकहेड्स निकालेगा धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। वो तो मैंने वीडियो थोड़ी स्पीड कर रखी है इसलिए आपको लग रही है कि मैं स्पीड में कर रही हूँ, बिल्कुल स्मूथ धीरे धीरे कर रही हूँ। अब फेशियल की तरह कर लीजिए, मसाज कर लीजिए हल्के हल्के हाथों से। और एक बात, अगर आप इसको दोबारा फेस पैक की तरह जब आप इसको लगाओगे तो आपको आपके हेयर रिमूवर भी होंगे इसमें से, जो आपके फेस पे छोटे छोटे से बाल होते हैं वो भी निकल जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी आगे किस तरीके से उनको इसको साफ़ करना है, फेस पैक को स्क्रब करने के बाद किस तरीके से साफ़ करोगे से आपके बाल निकल जाएंगे। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इस लॉकडाउन में तो हम पार्लर नहीं जा पाए ना, इसलिए ये इसे ही यूज़ करती थी मैं ज़्यादातर। अब इसको हम फेस पैक की तरह लगा लेंगे पूरे फेस पे, नेक पे तो लगाना ही ज़रूरी है, क्योंकि नेक फेस का हिस्सा और नेक एरिया तो दिखता है ना, तो वो अलग अलग दिखता है। इसलिए अगर हम मेकअप करते हैं या फिर कुछ कोई भी फेस पैक वगैरह फेशियल वगैरह कराते हैं तो नेक तक ही होना चाहिए। स्किन हमारी एक बार लगे, मैंने इसको लगा लिया है फेस पैक की तरह। इसको अच्छी तरह सूखने देंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी एक कॉटन के रुमाल से इसको किस तरीके से हटाना है। देखिए अच्छी तरह, बस आपको 20 मिनट रखना है इसको, ज़्यादा नहीं रखना। वैसे आप 20 मिनट में, ज़्यादातर तो 15 मिनट में ही सूख जाएगा, ज़्यादा है तो आप 20 मिनट रख सकते हैं, क्योंकि अच्छी तरह ड्राई होने में तो उसको लगता ही है 15-20 मिनट तो लगते ही हैं। देखिए इस तरीके से एक कॉटन का उसको हल्का सा गीला करने के बाद आप ऐसे डॉट ऐसे इस दबा दबा के पुश कर करके ऊपर की साइड खींचना, आपके हेयर रिमूवर हो जाएंगे। इस तरीके से आप डॉट डॉट करके ऐसे खींचोगे ना, पुश करोगे ऐसे कर करके, तो आपके हेयर निकलेंगे, हकीकत में ही निकलते हैं। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, छोटे छोटे आपके चिन वगैरह पे होते हैं, इधर होते हैं, ये सब निकलेंगे, आपकी डेड स्किन निकलेगी, आपकी ब्लैक हेड्स निकलेंगे इस तरीके से साफ़ करने से। अब अगर आपको ऐसे साफ़ नहीं करना तो आप नॉर्मली वैसे साफ़ कर लीजिए,
कपड़ा गीला लीजिए या पूरे मुंह पे फेस पे फेर दीजिए बस। अगर आपको हेयर निकालने हैं आपके फेस पे से तो आप इस तरीके से निकालिए, फोरहेड वगैरह पे जो बाल होते हैं वो भी निकलते हैं। मैं तो जब भी इसको यूज़ करती हूँ इसी तरीके से साफ करती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम थोड़ी ना पार्लर जा सकते हैं, ये तो आ जाते हैं बाल जल्दी से ही ये वाले तो। लेकिन काफ़ी एक बार कर लोगे तो काफ़ी दिनों तक की छुट्टी हो जाती है इसे करने से। इस तरीके के एरिया में बहुत होते हैं साइड में, नेक को भी साफ कर लीजिए। देखो इस तरीके से अच्छी तरह अपने फेस को साफ कर लीजिए, फिर ठंडे पानी से जाके फेस वॉश कर लीजिए। पहले तो कपड़े से साफ करोगे तो अच्छा, देखो मैंने फेस वॉश कर लिया है अच्छी तरीके से। अब आप रात में जो नाइट क्रीम वगैरह लगाते हो वो लगा सकते हो। देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुका है मेरा फेस, वाकई में ये वर्क करता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।